क्लास आई एम योर स्टार टीचर्स और आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिमेनिंग जो आपका चैप्टर रह गया था। ठीक है, चैप्टर 3 है, क्लास फर्स्ट ईयर है, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, लेक्चर आपका है 5। अब आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। एन रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन आर एन पॉजिटिव वैल्यू देन जो है ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय। अनग्रुपेटिव के लिए आपके क्या पास क्या होता है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सो ऑन एक्स एन रेज टू पावर वन ओवर एन। ठीक है, और आपके पास ये क्या होता है, ये वन ओवर टू भी लिख सकते हैं अंडर रूट के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग इक्वल है वन ओवर एन। ठीक है, और समीशन एफ लॉग एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा की आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, एज वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन आपके पास फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू टू फोर फोर सिक्स सिक्स। एज वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है एक्स वन एक्स टू एक्स एन रेज टू पावर वन ओवर एन। ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाई टू, हम इस डेटा को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे रेज टू पावर वन ओवर सिक्स करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएगा। जब 1 ओवर 6 है तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3.63 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप डेटा के लिए x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। ठीक है, आपने जो है x की वैल्यू का लॉग लेना है और f से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। सबसे पहले आपने इस वाली जो है x है इनका लॉग लेना है, लॉग लेके उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, f वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। जब इस कॉलम का हम समिशन करेंगे, जैसे कि ये दिया हुआ है तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम सबमिशन करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इस आंसर को हम डिवाइड करेंगे 1 ओवर n का क्या मतलब है 132 इस पे, तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। इसको जब हम करेंगे 1.4946 इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन 31.23 निकल आएगा। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इट इज़ वेल डिफाइंड, ये एक वेल डिफाइंड है। इट यूजेज ऑल द वैल्यू, तमाम वैल्यूज को यूज़ करता है। इट इज़ एबल फॉर मोर एक्शन, इसको मोर एक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एबल होता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ डेटा। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके पास हर किस्म के डेटा के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इट डज नॉट एग्जिस्ट इफ एनी वैल्यू ज़ीरो, ज्योमेट्रिक मीन आप क्या है नहीं निकाल सकते अगर आपकी एक भी वैल्यू क्या है ज़ीरो है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी वैल्यू इज़ मिसिंग, अगर आपकी कोई भी वैल्यू क्या है मिसिंग होगी तो आप ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास हार्मोनिक मीन। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वैल्यूज एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। आपके पास ये जो है अनग्रुप डेटा उसमें दिया हुआ है रेशियो बिटवीन, ये रेशियो है आपके पास बिटवीन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो ये आपके पास क्या हो गया हार्मोनिक मीन हो गया। ग्रुप डेटा के लिए आपके पास क्या है समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स आई, और इसका समीशन एफ जो है वो आपके पास स्मॉल एन के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल अनग्रुप डेटा से। ठीक है, एन ओवर जितने भी वैल्यूज हैं आपके पास आप उनको डिवाइड करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, और उसको उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। ठीक है, ये 0.5 आ गया, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.33 आ गया, 1 को 5 से करेंगे 0.2 आ गया। इन सब वैल्यूज का सम करेंगे फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 4.21 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास अनग्रुप डेटा की एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप डेटा की एग्जाम्पल। x है f है, आपको आप f को x से डिवाइड करेंगे, आप करेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे 3/57 तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप 5/58 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। आप लास्ट में इसका सम करेंगे, सम को समीशन f से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा 59.80। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन। इट इज़ वेल डिफाइंड, इट यूजेज ऑल द वैल्यू, इट इज़ एबल फॉर मोर एक्शन, सेम आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की तरह है। ठीक है, डी मेरिट्स जो हैं वो आपके पास हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट इफ एनी वैल्यू इज ज़ीरो, इसका भी आपके पास क्या, अगर कोई भी वैल्यू जीरो होगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट गिव मोर वेट टू स्मॉल वैल्यूज, ये क्या मोर वेट देता है किसको, स्मॉल वैल्यूज को। नेक्स्ट है मीडियन। द वैल्यू विच डिवाइड द अरे डेटा, वो वैल्यू जो कि अरेंज डेटा को टू इक्वल पार्ट्स इंटू टू इक्वल पार्ट्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो आपके पास क्या होता है, इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है,
इट इज सेंट्रल वैल्यू, या सेंट्रल वैल्यू होगी इफ नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड। अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होंगे तो आपकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो आपके पास मीडियन होगा। एंड मीन ऑफ टू सेंट्रल वैल्यूज इफ नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन। और मीन्स होता है टू सेंट्रल वैल्यू का अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल है अनग्रुप डेटा 2, 5, 4, 7, 8, देन मीडियन इज 4। 4 कैसे आया कि नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास क्या थी, ऑड थी। तो आपने 2, 5 एक साइड पे, 7, 8 एक साइड पे करके जब आपने सेंटर में देखा तो आपके पास क्या बचा, 4। तो आपके पास क्या हो गया, मीडियन हो गया। नेक्स्ट ग्रुप डेटा का फार्मूला है आपके पास मीडियन इज इक्वल है एल प्लस एच ओवर एफ इन टू एन ओवर 2 माइनस सी। ग्रुप डेटा जो है इसके जो है इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। क्लासेस आपके पास गिवन है 10 to 19, 20 to 22, सो ऑन 50 to 59। इसी तरह आपके पास एफ दिया हुआ है, एफ में आपने क्या करना है, जो आपके पास एफ दिया हुआ है एफ की वैल्यूज गिवन है, क्लास बाउंड्री आपने बना लेनी है, जो मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया हुआ क्लास बाउंड्री पाने का तरीका क्या है। नेक्स्ट सी एफ भी है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एन ओवर 132 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास 66 आ जाएगा। तो आपने ये देखना है कि ये वाला जो 66 है ये सी एफ में कहाँ लाया कर रहा है, ठीक है। ये 66 जो है वो सी एफ में कहाँ लाया कर रहा है, तो ये आपके पास सी एफ में 95 जो है इसमें लाया कर रहा है, ठीक है ना। 66 इसमें लाया कर रहा है ना, क्योंकि ये 95 जो है ये 1 to 95 तक वैल्यूज है, ठीक है। तो इसके प्रीवियस जो आपके पास वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू होगी। इसके जो है क्लास बाउंड्री लोअर क्लास, एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री होती है। तो इसके प्रीवियस आप देखेंगे तो इधर एल आपके पास 29.5 होगा और इधर से ये आप एफ आपका 45 होगा। ये वैल्यूज लेके, ये गिवन है, इन सबको लेके जब आप फार्मूले में पुटिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास मीडियन की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है मॉड। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड मॉड। मॉड क्या होता है कि रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होती है वैल्यू, उसको हम कहते हैं मॉड। एग्जाम्पल अनग्रुप डेटा 2, 2, 2, 2, 3, 3, देन मॉड इज 2, क्योंकि मॉड आपके पास क्या है, ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। ग्रुप डेटा का फार्मूला है आपके पास मॉड इक्वल है एल प्लस एच एफ एम माइनस एफ वन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। इसमें एल क्या होता है, आपके लोअर क्लास बाउंड्री होती है। एच क्या होता है, साइज ऑफ मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉडल क्लास। नेक्स्ट एफ एम क्या आपके पास क्या होता है, एफ वन क्या होता है, फ्रिक्वेंसी प्रीसेंडिंग टू मॉडल क्लास। एफ टू होता है फ्रिक्वेंसी प्रीसेंडिंग टू मॉडल क्लास। ग्रुप डेटा का फार्मूला आपके पास क्लासेस दी हैं, गिवन है आपके पास ये क्लास बाउंड्री जो है, और एफ भी आपके पास गिवन है। आपने एफ में देखना है कि आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है 32, तो इसको हम आप जो है वो एफ एम का नाम दे देंगे, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और इसके प्रीवियस जो होगी आपके पास एफ वन होगा, और इसके जो है फॉलोइंग में आएगी वो आपके पास क्या होगा, एफ टू होगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू जो है एफ की, उसके प्रीवियस जो आपके पास क्लास बाउंड्री बनी हुई है उसकी लोअर क्लास आपके पास एल कौन सा होगा, 69.5। इसको फार्मूले में पुटिंग करेंगे, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इनको जब हम फार्मूले में पुटिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास मॉड का आंसर निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वार्टाइल्स। द वैल्यू विच डिवाइड द अरे डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वो वैल्यू जो अरे डेटा को आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो आपके पास क्वार्टाइल्स होते हैं। आर क्वार्टाइल्स, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2, Q3। Q1 इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल, Q2 इज कॉल्ड मीडियन। Q2 जो होता है वो डेटा के सेंटर में लाई कर होता है, तो इसको Q2 को हम मीडियन भी कहते हैं, मोड भी कहते हैं, और मीन भी कहते हैं, लेकिन इधर हम जो यूज़ करेंगे वो Q2 को मीडियन ही कहेंगे। Q3 इज कॉल्ड अपर क्वार्टाइल, आपके पास Q3 क्या होता है, अपर क्वार्टाइल्स होते हैं। अनग्रुप डेटा का इसका फार्मूला Q1 वैल्यू ऑफ एन प्लस वन ओवर 4 टूथ ऑब्जर्वेशन। इसी तरह जब हम 2 करेंगे तो इसके साथ 2 मेंशन हो जाएगा, जब हम 3 करेंगे तो 3 मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एल प्लस एच ओवर Q1 का जो ग्रुप डेटा का फार्मूला, उसमें Q1 इक्वल है एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 4 माइनस सी, और इधर क्या है Q2 का एल प्लस एच ओवर एफ 2n डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी, Q3 है एल प्लस एच ओवर 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी, ठीक है। डिसाइल द वैल्यू विच डिफाइड द अरे डेटा इंटू
इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, वो वैल्यू जो अरेंज डेटे को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो आपके पास डिसाइल होता है। इसका डिसाइल्स, देयर आर 9 डिसाइल्स नोटेड एज D1, D2, D3, सो ऑन DN। इस सेम आपकी जो है अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा सेम है, लेकिन अब क्या है, डिसाइल है। पहले क्वार्टाइल था तो हम 4 पे डिवाइड कर रहे थे, अब डिसाइल है तो हम 10 पे डिवाइड करेंगे। बाकी फार्मूले जो है वो आपके पास सारे सेम है। नेक्स्ट है आपके पास द वैल्यू विच डिवाइड द एरे डेटा इंटू 100 इक्वल पार्ट्स इज आर कॉल्ड परसेंटाइल्स। वो वैल्यू जो अरेंज डेटे को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो आपके पास परसेंटाइल्स होता है। देयर आर 99 परसेंटाइल्स, ठीक है, डिनोटेड बाय एंड डिनोटेड एज P1, P2, P3 एंड P99, ठीक है। अनग्रुप डेटा, इसकी भी हमारे पास क्या है, परसेंटेज हमारे पास बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, ये आपके पास क्या हो जाएगा, परसेंटाइल्स हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक था। तो क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।